हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और खूब एंजॉय कीजिएगा। क्या है ये? गाड़ी मेरे पापा लाए ऊपर से और हम दूसरे वाली और मैं ये लाया हूँ और मेरे पापा ये और लाए। सही किस पे बैठते हो आप बताना जरा, क्या होता है इस पे बैठ के? इस पे बैठ के हमला होता है। हमला? हाँ। अच्छा, सही आते हो आप इस पे? इस पे लड़ाई बढ़ जाती है। अच्छा जी, और इस पे क्या होता है बताओ? क्या होता है इसमें? गाने बजते हैं। अच्छा जी, ये म्यूजिक कार है। हाँ। और तीसरे नंबर की ये? हाँ। फौजी वाली है, टू करने की। फौजी वाली? हाँ। किसने बताया भाई ये फौजी की है? मैं ये लाई थी। आप लाए थे ये? हाँ। अच्छा जी। हाँ। ये पापा लाए थे। अच्छा और जी, इसमें गाने भी बजते हैं। अच्छा जी, चलो अच्छा चला के दिखाओ ये गाड़ियाँ। अच्छा जी, मूवमेंट देते बेटा स्केच। क्या लिख रहे थे आप इससे? लू चलती है। क्या लिख रहे थे आप इससे? लू चलती है मम्मी। अच्छा चलो चला लो, खेल लो आप। हैं खेलना गाड़ी से? खेलना आपको अच्छा लगता है? ये दोनों दोस्त और ये आशी के पापा लाए थे। अच्छा, और ये मेरे पापा लाए थे। अच्छा, और ये आशी के पापा लाए थे और ये हम लाए थे और ये आशी के पापा लाए थे। हम मंदिर में तो लेके आए थे। मंदिर में क्या हो गया था आपके साथ में? हाथ जल गया था। याद है आपको अभी भी? हाँ। भूले नहीं आप? हाँ। अच्छा जी, कहाँ से जला था? आज मेरा बुखार हो गया है। बुखार? हाँ। अरे नहीं भाई, बुखार का नाम नहीं लेते ना। जड्डे में हुआ है बुखार। जड्डे में हुआ है? हाँ। आपने तो मजबूत कपड़े पहन रखे हैं, आपको नहीं होगा। भाई साहब? कौन है भाई साहब? मैं बैठता हूँ। अच्छा, आप हो भाई साहब? मैं बैठती हूँ। अच्छा, तो ये दीदी साहब है, आप भाई साहब हो हैं? मैं बैठना नहीं आता, तू तो छोटी होगी, तू बड़े होगी। मैं बड़ी होगी, मैं इसमें बैठू। अच्छा जी, और मैं आयुष में उसमें बैठा है। ये रेसिंग कार बन गया, ये खुला है। अच्छा, ये खुला है क्या? देखो ये खुला है। ये खुला है? हाँ, देखो ये खुल गया। अच्छा, इसका दरवाजा खुलता है एक साइड से। इनमें दंड कुर्सी है, दंड कुर्सी। हाँ। और ये आती है, यहाँ कुर्सी नहीं है। इनमें जानवर होते हैं, जानवर। हाँ हाँ, चलते हैं चलो। इस पानी में क्या हो रहा है? बाल्टी लेके जा भर के, लाल वाली उसमें तो कुछ होगा भी, गिरेगा जब मुंह में, बिक गई कुछ, बिक भी जाए तो पता लगेगा उसे, दिन लिगड़ा नहीं लिगड़ा है। आइडिया तो उठाना पड़ेगा, चलो चलती हूँ। ऐसे इंसान के कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाना पड़ता है। आइडिया अब पता चलेगा उस बुढ़िया को। चलो अब भी थराते मार कर सो रही है बुढ़िया। ए बुढ़िया उठ जाओ, मम्मी जी उठ जाओ। ए बिलोरिया खोवाली पर कुछ चली जा, जा सो जान दे। ई भी तो कोहरा पड़ रहा, कुकर उठ जाऊं मैं सारी दही में तो मेरी दर्द हो रहा। मम्मी जी 12 बज गए, उठ जाओ ना। मैं तो उठ जाऊंगी, मेरा गर्म पानी करके दलिया जरा बाथरूम में, मेरे कपड़े टांगे ये धोती कुर्ता ठीक है, पेटीकोट भी। और सुन, नाश्ते में आलू के पराठे बना लिए, गुड़ की चाय बनाई है और चटनी भी पीस लिया थोड़ी सी लहसुन की। उठ तो मैं जाऊंगी, सारा सामान तैयार कर ले ठीक है। अरे इब जब मैं थोड़ी देर और सोऊंगी, इतना सारा सामान तैयार करके धर ले, नहाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगने की। अपना रात का नहाने में हाँ उठा भी दिया बीच में, अगर मैं उठी ना तो ठीक है। ठीक है, कर ले सारा सामान तैयार। और घर की पैर साफ सफाई भी करनी। हाँ, तेरे जुम्मे ही है ये काम, और किसी के जुम्मे नहीं है। हाँ, जी मैं कर लूंगी। ठीक है, सो जाने दे तो मुझे थोड़ी देर और। और ये पानी के छींटे ना देख रहे, ठंड लगी तेरे नाम लग जाऊंगी। अब क्या करूँ, बड़ी प्रॉब्लम दे दी, अब क्या करूँ।
एक काम करती हूँ, उसे उठाती नहीं हूँ, सही रहेगी तो मैं तो काम कर लेती हूँ। चलो कपड़ा लाती हूँ खराब। चलो मैं इतने साफ सफाई कर लेती हूँ, तब तक वो बुढ़िया आटेगी, फिर वो उसे उठते ही साथ नाश्ता चाहिएगा, सब सवाल तैयार चाहिएगा। चलो पता नहीं भी लोरी सी हम खोली ने नाश्ता बनाया होगा कि नहीं, और पानी के छींटे दे देगा तो थारी जो एक बार सोने में मजा आया वो दोबारा नहीं नींद आती, फिर तो आदमी आंख मीच का पड़ा रहे, बस सोचो ही जागा कुछ ना कुछ, वो घर की बाहर की कुंडबे की धुंडबे की सबकी सोचो ही जागा। बता या भी लोरी सी हम खोकी नहीं नींद पूरी होने देती उनका रात के 12 बजे तक, और उनका पसर में ठाने की सोचे है मुझे, पर कोई बात नहीं मैं एक कुछ हिल्ला पड़ू घर का, कुछ भी नहीं करूं, मैं सारा इस पे ही काम करूंगी, सारा इस पे भी लोरी सी हमको वाली पे। अब बताऊंगी इनने मेरे नाम का पानी रख दिया क्या बाथरूम में। एक आ गई तू, एक आ गई तू, एक आ गई तू। अरे मेरी तो बैंड बज गई, मुझे तो नहीं पता था उठेगी नहीं शाम तक, अब क्या करूं। अरे हाय अम्मा, हां मम्मी जी, दरिया ही बाथरूम में पानी, वो मम्मी जी वो पानी गर्म नहीं हुआ था, वो हमारी मशीन खराब हो गई थी पानी गर्म करने का गीजर को, चूल्हे में दो गुस्से गेर का उसमें भी कर सकती पानी तो, जब तो मेरे मुंह पर गर्म ठंडे पानी के छींटे मारे हैं अकद को उठेगी तू, जमे पड़ी हुई मुंडी लगू खाट पे, सारा हिल्ला तेरे पे करूंगी। मम्मी जी वो क्या नाम वो गुस्से खत्म हो गए थे, गुस्से तो बतरे आग लग रही वहां पर है बतरे पड़े, सुखा लेगा सारे काम मेरे जुम्मे है मैं ही करूंगी। मम्मी जी आज चूल्हा लिपा नहीं गया था, मैं और काम में मंड गई थी बहुत सारे काम, पहले लक्ष्मी के घर के काम हुए हैं, पहले चूल्हे को साफ करना, घर में झाड़ू लगानी, जब बाद में नाश्ता बनाना, और तेरा काम हुआ सबसे पहले मुझे खाना, मेरे ऊपर छींटे मारन लगा पानी के, मैं पड़ी हुई बुढ़ी लगू तुझे खाट पे जाए डब पड़ी रहू है, आगे ध्यान कर लिए। चल इब तो मैं जलाऊ चूल्हा, उसमें गर्म पानी में आपको कर दूंगी, क्या कर रही तू भी नाश्ता तो बना लो, तो वो भी मुझे आपको ही करना पड़ेगा। मम्मी जी नाश्ता मैं चूल्हे पे ही बना लूंगी, वो आज वो सिलेंडर की खत्म, आज सिलेंडर भी खत्म हो गया, आग लगा जो पराठे कह दिए बनाने को, खा दी क्या तुमने, खा दी अब जब रोटी तो बना के दे दो उसके नाम के, नाश्ता पानी बनाना पड़ेगा, चल बनाओगे तो फ्रेंड्स आपको आज का हमारा माँ बेटी का ये रोल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और चिंकी बोले है मम्मी इनसे बोलो ना कि भर भर के लाइक किया करे, लाइक बहुत कम आते हैं और वीडियो ज्यादा लोग देखते हैं और कमेंट्स भी बहुत कम लोग करते हैं, तो चिंकी मुझसे यही बोल रही थी मम्मी प्लीज आप पूछिए ना मेरे सामने बैठ कर पूछेगा, तो लो भाई चिंकी आपके सामने है तो जवाब जरूर दीजिएगा चिंकी को कि आप चिंकी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और चिंकी ने अपनी क्लास कर ली है, और आप देख सकते हैं अभी समय हुआ है 2:02 PM, चिंकी क्लास होती है 12 बजे तक, दोनों बहनों ने क्लास कर ली है, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, अभी बच्चे थोड़ा सा फ्री होते हैं तो वो कुछ ना कुछ सोचते हैं, जैसे मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो वो भी कुछ ना कुछ सोचते हैं, उनके दिमाग में भी आइडिया आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्लास भी हो गई है और एक्टिंग भी थोड़ी सी चिंकी ने कर दी है, और चिंकी बहुत अच्छा बच्चा है, चिंकी गुड्डू आरुषि सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं, जैसे उन्हें कोई सिखाता नहीं है, उन्हें खुद से ही दिमाग में आइडिया आते हैं और उसी से वो लोग करते हैं, हम लोग भी नहीं इन्हें सिखाते हैं, मैं मना करती रहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बच्चे की जो है अगर कोई वो बात अपने दिल से बोला है तो अगर मैंने उसे मना कर दिया तो उदास हो जाएगी, ऐसा लगता है कि जैसे हम उनकी इच्छाओं को दबा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना भी चाहिए, उनकी इच्छाओं को समझना भी चाहिए, तो आज चिंकी की यही इच्छा थी कि आज हम ऐसा रोल करें, तो चिंकी ने ही मुझे स्क्रिप्ट दी है देखिए कि मम्मी आपको ऐसे ऐसे करना है, उसने खुद से ही अपने दिमाग में सोच कर रखी थी, मुझे पता नहीं था क्या इसने सोचा है, उसने मुझे बताया बोला कि मम्मी आप ऐसे करना, तो थैंक यू बेटा आपने मुझे सिखाया इतनी चीज कि मम्मी ऐसे स्क्रिप्ट सोची जाती है ऐसे करना वो सभी कि आपको बेड पे ही लेट कर रहना है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।